लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहां से वाघा क्रॉस करते ही जब आप हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में दाखिल होते हैं तो हर एक मील के फासले पे आपको स्कूल नजर आता है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है और वहां पर अंग्रेजी भी उसी तरह पढ़ाई जाती है जिस तरह की बड़े लेवल के स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में, यानी एक वहां पे निजामे तालीम है जो कि सब स्कूल के अंदर है। ये बॉर्डर की इस साइड पे अब तक क्यों नहीं हो सका? जी आसमा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बॉर्डर की उस तरफ गया हूं और मैंने इंडिया के 7 मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर दिए हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि उधर का मेयार तालीम यहां से बहुत बेहतर है। और सिर्फ मेयार तालीम नहीं, लेकिन जो सेहत का इंतजाम है वो भी बेहतर है और लोग अपनी हुकूमत पर एतमाद करते हैं, अपनी रियासत को अच्छा समझते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि हर तरफ मायूसी मायूसी फैली हुई है। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है बजाते एक पाकिस्तानी की हैसियत से। शायद इसकी वजह यह है कि हमने गलत इकदार के ऊपर यहां बहुत ज्यादा जोर दिया। हमने हमेशा यहां स्टूडेंट्स को यह बताया कि हुबुल वतनी का मतलब यह है कि सरहद पार लोगों से नफरत करो, कि वहां पर मॉन्स्टर खड़े हैं जो हमें खाने के लिए बस हर वक्त तैयार रहते हैं, तो इस वास्ते हमने फौज को बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो हमें खा गई। तो अब हमें इनको हुबुल वतनी का मतलब समझाना होगा, जिसका मतलब है वतन से प्यार करना, और वतन से प्यार करने का मतलब है लोगों से प्यार करना, कि उनके साथ धोखादेही ना करो, कि करप्शन में मुलव्वस ना हो, कि औरों की मदद करो, और ये होता है अपने लोगों से मोहब्बत करने का सबूत जो हमने इनको पढ़ाया है, इनके दिमागों में भरा गया है, इनकी किताबों में, पाकिस्तान स्टडीज खास तौर पे, ये अगर निकाला जाए ना और सच्चा जज्बा हुबुल वतनी का इनको समझाया जाए तो ये पाकिस्तान बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत 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 अच्छी बात है।